इन्वायरमेंट को किसी तरह भी पोलूटेड ना किया जाए चाहे वो कंटेमनेटेड वाटर की शक्ल में है स्मोक की शक्ल में है या ऑर्गेनाइजेशन के विद इन वर्किंग एन्वायरमेंट की शक्ल में है तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए स्टूडेंट्स जहाँ नोट किए हैं उसको वन बाई वन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ई पी ए अनवामेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी सबस्टांशल प्रोग्रेस हैज हैजिन मेड इन द फॉलोइंग एरियाज इन लास्ट डे पर्टिकुलर इन लास्ट फाइव सिक्स डिकेट स्पेसिफिकली इन लास्ट वन डिकेड कार्बन मोनोआक्साइड इमेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर ऑक्साइड ये जितने भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पॉइंट नोट किए गए हैं इन सब का ताल्लक ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो कंटेमनेटेड वाटर है उससे मुत्लक है कंटेमनेटेड वाटर कहते हैं जहरीले पानी को कुछ ऑर्गेनाइजेशन केमिकल में डील करती हैं और आपको मालूम है कुछ केमिकल इंसान के लिए हार्मफुल होते हैं तो उनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर उनको डिस्चार्ज करने का वे उसके मतलब एस ओ पीज बने होते हैं अगर हम उन एस ओ पीज को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी हद तक एनवायरमेंट फ्री और हेल्दी एन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है सेफ्टी हेल्थ एंड द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू ई पी ए नाइट्रोजन ऑक्साइड इमेन एंड ओशियन डंपिंग ऑफ सीवेज स्लज आर स्टिल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम का जो जहरीला पानी है और जो ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट है उसको आज भी डंप करना एक स्पेशल इशू बना हुआ है इसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम लेजीनेस का मुजाह करती हैं जिस वजह से वो खुद ब खुद एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करने का बायस बनती हैं द फॉलोइंग एक्शंस आर रिकमेंडेड बाई द ई पी ए नंबर वन एसड रेन नंबर टू ग्राउंड लेवल ओजोन ग्लोबल वार्मिंग वाटर पोल्यूशन टॉक्सिक वेस्ट गारबेज लेड मरकरी ये डी ए स्टूडेंट्स वो मुख्तफ किस्म के रिकमेंडेशन अगर इनको फॉलो कर लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस कर सकती है। एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ एस ओ पी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं आई एस ओ के जो सर्टिफिकेशन हैं उसकी जो आई एस ओ की क्लासेस हैं अगर उन सब को फॉलो किया जाए तो ये जो रिकमेंडेशन हैं इनको प्रॉपर वे में हम कंट्रोल प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन इसके ऊपर बहुत सी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन भी हो चुकी है लेजिस्लेशन कानून साजी को कहते हैं रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं ओ एस एच ए स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर टू कोऑपरेट इन डेवलपिंग अ प्लान टू जॉइंट एनफोर्समेंट एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसमें ये चीज़ें बयान की जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्लान डेवलप करेगी प्लान एग्जीक्यूट करेगी और प्लान को अवेल्यूएट करेगी अगर इन तीन चीज़ों को हम फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं अगर लास्ट पॉइंट या स्टूडेंट इस स्लाइड का देखा जाए तो इसमें ये लिखा हुआ है जॉइंट ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस हैव आल्सो रिजल्टेड मेंटेन्स के अंदर एम्प्लाई एम्प्लायर सबॉर्डिनेट बॉस अगर ये मिल के जॉइंट ट्रेनिंग इनको दी जाए तो भी हम लोग आर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी हद तक लेजिसलेशन और रेगुलेशन डिवेल्प कर सकते हैं जिसकी मदद से मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है मेजर गोल्स ऑफ क्लीन एयर एक्ट क्लीन एयर एक्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो एयर है फजा है हवा है वो क्लीन रहे तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लीन एयर एक्ट कंटेंट प्रोविजन दैट रिक्वायर कंपनीज टू टेक वक्शन इज नीवेंट और मिनिमाइज दिलीज ऑफ पोलूशन इन टू द एयर पोलूशन को एयर में डिस्चार्ज हमें नहीं करना पॉल्यूशन के ऊपर मुख्तफ किस्म के प्लांट पहले लगाए जाएँ ताकि वो पोल्यूशन इस कंडीशन में डिवेल्प की जाए या चेंज की जाए कि पोलूशंस के अंदर जो कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं जहरीला मवाद है उसको ख़त्म किया जाए उसके बाद एक स्पेसिफिक स्पेस के ऊपर जाके उसको डिस्चार्ज किया जाए ताकि जो इन्वामेंट है उसको पोलूशन फ्री रखा जा सके इट आल्सो इस्टेबलिश्ड एन इंडिपेंडेंट केमिकल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पोलेंट पोलूटेंट्स बेसिकली ये मवा हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन हवा के अंदर डिस्चार्ज करती है जिसकी वजह से वो चीज़ें फिर पोल्यूशन का बायस बनती हैं इनसे किसी भी किस्म की इंजरी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत सा स्मोक डिस्चार्ज कर रहे हैं फजा में वहाँ पर नज़दीक रोड है जी टी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड है वहाँ पर वो स्मोक जा रहा है उस स्मोक की वजह से अगर गाड़ियों की विजिबिलिटी कम होती है तो देर इज़ चांस ऑफ एक्सीडेंट अगर इम्प्लाई वहाँ पर जो काम कर रहा है उस स्मोक की वजह से उसको हार्ट लंग्स किसी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है तो इस तरह से आर्गनाइजेशन इन चीज़ों से बच सकती है अगर वो प्रॉपर रूल एंड रेगोलेशन और लैजिसशन को अडोप्ट करें मेजर गोल्स ऑफ क्लीन एयर एक्ट अर्बन एयर एक्ट क्वालिटी मोबाइल सोर्स हेजोडियस एयर पोल्यूशनस अगर इन चीज़ों को डी स्टूडेंट्स देखा जा सके तो इसमें यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनफोर्समेंट वाला एनफोर्समेंट का ये मतलब है कि आर्गनाइजेशन के अंदर जितनी भी पॉलिसीज डेवलप होगी उसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूट करना है और ये चीज़ें ही हमारी Clean एयर एक्ट के मुतलक हैं जो कि 1970 के अंदर अमेरिका के अंदर ये डेवलप किया गया था और अप्रोक्सीमेटली 350 फिफ्टी पेजिज डि रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेवन टाइटल्स ये वाले जो गिवन हैं। इसके मुताबिक आर्गनाइजेशन की लजिसलेशन और रेगोलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं टाइप्स ऑफ अनवामेंट आर्गनाइजेशन के अंदर चार तरह का एन्वामेंट होता है फर्स्ट नेचुरल इन्वामेंट नंबर टू इंड्यूस एनवायरमेंट नंबर थ्री कंट्रोल्ड एनवायरमेंट और नंबर फोर आर्टिफिशल पहला जो एनवायरमेंट है वो नेचुरल एनवायरमेंट है नेचुरल एनवायरमेंट इज नॉट ह्यूमन मेड इट इज़ द एन्वायरमेंट वी टिपिकली थिंक ऑफ एज अर्थ एंड ऑल ऑफ इट्स नेचुरल कंपोनेंट्स जैसे हम सोचते हैं कि फजा नीट एंड क्लीन हो एयर हो पानी हो ग्रीनरी हो इसको हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं इंड्यूस एनवायरमेंट आर दैट हैव दोन अफेक्टेड इन सम वे बाई ह्यूमन एक्शन हमारे एक्शन की वजह से जो एनवायरमेंट चेंज हो जाता है वो बेहतर भी हो सकता है कम भी हो सकता है नेचुरल इन्वायरमेंट से इसको डी स्टूडेंट्स हम इंडियस एनवायरमेंट बोलते हैं थर्ड अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट प्योरली वो एनवायरमेंट है जो नेचुरल है और इंडियोस एनवायरमेंट दैट हैज बिन चेंज इन सम वे टू रिड्यूस एलिमिनेट पोटेंशियल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ये चीज़ें पॉजिटिव वे में डिवेल्प की जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लाई काम कर रहा है जो चीज़ें उसको फैसिनेट करती हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर उसका हिस्सा बनाया जाता है और लास्ट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ये प्योर सिमुलेशन पे बेस करता है ये एनवायरनमेंट हम ख़ुद क्रिएट करते हैं अपनी ऑर्गनाइजेशन के अंदर ये नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हुए हम आर्गनाइजेशन के अंदर कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं उनको कंट्रोल किया जा सके